सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, एसएसवी ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोगों का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। साथ में दोस्तों बता दें, जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम का जो डेट था 23 जून, और जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था 23 जून का, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से आने वाले हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि भाई 23 जून को जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो स्टेप है, वही स्टेप है जहां से आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालने पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। समझ दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कांस्टेबल वेटनरी का एडमिट कार्ड आ गया है। और इस भाई का जो एग्ज़ाम है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 जुलाई 2023 12:30 PM से लेकर 2:30 PM तक है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 जुलाई को इस भाई का एग्ज़ाम दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम का जो सेंटर है, वह सेंटर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आराम से आपका जिस भी डेट में एग्ज़ाम है, आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। 13 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में इस भाई को दिया गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पर तो आपको ये फॉर्म भरना आ रहा होगा, सभी ने इसको अच्छे तरीके से जान लिए होंगे। चलिए देख लीजिए, डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट में 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो, 2 कलर कॉपीज प्रिंट एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी, साथ में ब्लू पेन या पेपर वर्क के लिए, समझ गए, ब्लू पेन या ब्लैक पेन पेपर वर्क के लिए लेकर आप लोगों को जाना है। तो फाइनली दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का एसएससी ट्रेड्समैन का एग्जाम रद्द हुआ था, उनका एडमिट कार्ड आ गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी मैसेज भेज दिया गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों को तो पहले पता चल गया कि किस लेवल का आपका एग्ज़ाम मतलब हुआ था। क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम होगा, अभी जो ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन का लेवल जो 22 जून को एग्जाम हुआ था, उससे इसमें आपको अप देखने को मिलेगा। समझ गए दोस्तों, अप देखने को इसमें आपको एग्जाम का जो लेवल है वह अप देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा, निगेटिव मार्क नहीं है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा और इसके बाद आप लोगों का आंसर किया जाएगा, इसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो स्टूडेंट एग्जाम में पास करेंगे, उन्हीं को यहां पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। कुल 35,000 स्टूडेंट ही पूरे एग्जाम में, पूरे भर्ती में पास होंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, तैयारी कर लीजिए, इतिहास ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, हिंदी में, मैथ में और रीजनिंग में, जीके जीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, जीएस से थोड़ा कम प्रश्न आएगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड आ गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।